हेलो, सलाम अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक हूँ। कौन सा बोल रहे हैं, कहाँ से? शाहजेब खान मर्दान से। जी फरमाए, क्या पूछना चाहते हैं? और उनको मैंने जम्बोरो भी लगाए हुए और रानी केक लगाई हुई, तो ये रिक्की मैंने किए हुए थे। ये क्या मसला डॉक्टर साहब, हो रहा है इनको? हाँ जी, ये क्या मसला इनको हो रहा है? एक आंख इसका बंद होता है, एक आंख। अच्छा, एक आंख बंद होता है। सांस वगैरह ठीक लेते हैं? हाँ जी बिल्कुल, सांस ठीक है, लेकिन ये इस तरह बुझे बुझे लग रहा है, यानी एक्टिव नहीं है, सुस्त है। जी बिल्कुल जी बिल्कुल जी, सुस्त है। अच्छा, खाता पीता है या कम खाता है? कम खाते जी, इतना नहीं खा रहे हैं अभी, पहले ज्यादा खाता था, अभी कम खा रहे हो। उसको मैं ये मकई और ये रोटी जो होती है, आप जिस तरह मैं आपका ये यूट्यूब रोजाना यूज कर रहा हूँ, अच्छा, तो उससे आप जितना जैसे फार्मूले दे रहे हो वही मैं सब यूज कर रहा हूँ। मैंने परसों इस तरह के उनको करके और चीने से और उनको दिए हुए तकरीबन 6-7 घंटे पानी रखा हुआ था, अच्छा, उसके साथ उसका वाट हुआ बहुत जबरदस्त। डॉक्टर साहब अभी मैंने उसके हुए कसम से बहुत दुआएं दे रहा था, आपका प्रोग्राम बहुत फिर पहुंचे हुए हैं, अच्छा, बहुत ज्यादा डॉक्टर साहब। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने वो प्रोग्राम देख के उसी तरह दिया उनको? दूध दूध में क्या दिया उनको? नहीं दूध मैंने पानी में फिर और चीनी, हाँ, हाँ वही वही फैलाई हुई जी, सरका चीनी, बिल्कुल ठीक है। उससे जरा ये है कि पोटा साफ हो जाता है उनका। हाँ जी बिल्कुल, जो वो मैं जब रात को दिया ना उधर, वो उनका जो जगह पे ना फार्म जो दिया बनाए हुए, हाँ, तो कल जो सुबह मैं गया हूँ, इतना फोटे किए हुए सजी, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत अल्लाह ज्यादा बहुत अल्लाह ज्यादा। अल्लाह तो अल्लाह, मैंने कसम से मैं ये सोचे थे ये डॉक्टर साहब गए, ये डॉक्टर साहब नहीं होता तो हमारा मुल्क क्या बन जाता, और बहुत बेहतरीन खुराक भी कर रहा था, बहुत बेहतरीन। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक हो जाएगा। इसी तरह ये कर ले, ये सुस्ती तभी ठीक होगी, एक दफा फिर कर दें इसको। अच्छा जी, हाँ, इंशाल्लाह जब इसकी पूरी सफाई हो जाएगी ना पोटा की, तो ये एक्टिव हो जाएगा, खाना भी शुरू हो जाएगा, इंशाल्लाह इसकी आंखें भी खुल जाएंगी, पानी वानी भी पिएगा। अच्छा जी, हाँ, तो और एक जो मैं सब्जी आज एक मुर्गी दवा कर दी, तो उसमें उसके तो अपने जो अंडे थे ना, उसके उसके अलावा जो सफेद बिल्कुल पानी वाले जो अंडे उसमें थे, अच्छा, तो क्या मसला होता? और वो बस जो कमजोर भी होता था, लेकिन वो जैसा मैं उनको खुराक दे रहा था ना, इस तरह उसको कुछ असर नहीं कर रहा था। जब सुबह मैंने जब उसके तो मैंने देखा उसके अंदर जो छोटे छोटे जो तकरीबन जिस तरह 3-4 इंच के बने हुए थे, अच्छा, अड्डे जैसे होते हैं ना, हाँ इस हाँ तरह उसमें पानी पानी से भरे हुए थे पानी से। अच्छा, तो ये डॉक्टर साहब क्या मसला उनको कहा? उसको देखना पड़ेगा क्या, हाइड्रोपाइकार्डियम एक होती है आबे कल्ब की, वो तो दिल में वो पानी का हो जाता है, दिल में ना वो एक झिल्ली सी बन जाती है, उसमें पानी होता है, हाँ जी, उस तरह का तो नहीं था? नहीं, इस तरह नहीं था, ये तो ये अलग अलग से थे, इस तरह छोटे छोटे जैसे अच्छा, अंडे होते हैं ना, मुर्गी मुर्गी के अंदर अंडे जिस तरह होते हैं, उसी तरह थोड़ा सा मुर्गी होता था उसमें ऐसे। हाँ, मैं समझ गया। अच्छा, वो उसमें असल में एक तो इनमें कैल्शियम की कमी हो जाती है ना, अच्छा तो जी, फिर भी कुछ और मिनरल्स विटामिन्स की कमी हो जाए तो फिर भी इस तरह का ये करना शुरू कर देते हैं। तो उसके लिए अच्छा मेरे जी, आप प्रोग्राम्स देखते रहे, मैं बड़े आजकल नए नई नई चीज़ें ढूंढता रहता हूँ कि यार कोई देखूँ जिससे हमारे भाइयों को बहनों को जिन्होंने ये शौक पाल रखा है, अल्लाह ताला उनका शौक पूरा करे। और डॉक्टर साहब मैंने जिस तरह ये मैं कसम से अजान हो रहे, मैं सिर्फ ये आपकी वजह से आपके प्रोग्राम देखती हूँ, मुझे शौक आ गया। अभी अल्लाह मैंने 3,000 चीजों के लिए वो फार्म बनाया, मैंने 80 लग चीज 3,000 का भी अभी बना रहा। अच्छा, माशाल्लाह अच्छा जी, माशाल्लाह माशाल्लाह।
तो बहुत अच्छा है उनका, बस ख्याल करें उनकी जो होती है ना वो वैक्सीनेशन, उसको कहते हैं हिफाजती टीके, हाँ जी बिल्कुल, और खास अगर हो तो जी खास तौर पे जो एनडी लासोटा का जो है ना वो जरूर करते रहना, कतरे डालना है उनकी आंखों में, छोटे चूजों की हो गए, फिर बड़ों को कतरे पना भी देते हैं, फिर उनको जिस तरह मैं तो दूध में मिला के वो आगे रखता वो पी लेते वो भी मैंने देखे हुए जी, आपने हाँ जो मुर्गों के लिए दूध में रखे हुए हैं और इस तरह मिट्टी से बने हुए बर्तन है वो अपने आप रख रहे हैं। बिल्कुल। अब मैंने हाँ अब और अब चूजे निकलवाए हैं ना, तो इंशाल्लाह ताला जो जो मैं काम करूंगा वो दिखाता जाऊंगा कि भाई इस तरह करना है आपने। दरअसल साहब मैंने तो ये जो ज्यादा बारिश हो रही थी ना तकरीबन एक दो हफ्ते पहले, तो हाँ जी मुर्गों में ये हुआ था कि जो उसका जो गत्ता ना उससे चक्कर आ रहा था, इस तरह पूरा घुमा रहा था, हाँ तो उसको मैंने ताकत वाले दवाई दी पानी में और इस तरह फेरन में थोड़ा थोड़ा कर दिया। बहुत जरूरी, तो ये बहुत अच्छा। डॉक्टर साहब ये दो मुर्गों को इस तरह हुआ था, ये क्या चक्कर होता है डॉक्टर साहब, ये कैसी स्थिति में होती है, नहीं क्यों इस तरह कर रहे हैं? वो जब भी मौसम तब्दील होता है ना, ठंडा होता है एकदम, तो उससे यही बीमारी आ जाती है ना, ये जो एंडी की है, रानीखेत की बीमारी आ जाती है। रानी खेत ये वायरस की बीमारी होती है, ये तो बड़ी नामुराद होती है, एक को लगती है फिर सबको लग जाती है, अच्छा जी और इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि एनडी लासोटा एक इसका नाम है, एनडी लासोटा, ये हफाजती टीके हैं, वो टीके जरूर वो बना के और उनको एक एक कतरा आंख पे आंख में डालना चाहिए, या मुंह में उनके डाल दे या उस वैसे पिला दे, तो ये डॉक्टर साहब एक बात और पूछ रहा, ये जो जिस तरह ये वैक्सीन होती है ना तो ये हाँ। आंखों में देना या इंजेक्शन में लगाना ये किस तरह, ये जैसे रानी के तो डॉक्टर साहब या ये गंबोरो हाँ ये पानी में सब पिलाना या उसमें देना है इंजेक्शन के साथ लगाना, चले कौन सा ध्यान रखना होगा? मैं आपके लिए ना, अब चूंकि टाइम हो गया है, एक बज गया, अजान हो गई जोहर की, तो 1 बजे तक टाइम था, मैं अगला जो एक प्रोग्राम आपके लिए इंशाल्लाह ताला कर देता हूँ कि जिसमें अच्छा मैं ये बताऊंगा कि इस पूरा शेड्यूल पूरा इसका कि कब आपने कौन सा टीका लगाना है, किसका तरह देना है, कतरा देना है, पिलाना है, आंख में डालना है, जेरे उसके सीने में लगाना है, पर के नीचे लगाना है, वो मैं सारा कुछ दे दूंगा, ठीक है अच्छा डॉक्टर साहब एक और बात पूछ रहा हूँ, ये जी जो मैंने गोल्डन रखे हुए है ना जी तो इसको मैं आज ही इस दौरान में अपना घर का बना हुआ खुराक दे रहा हूँ, मैं ठीक इसका है ये जो बाजार में भेजा हुआ खुराक है ये मैं लाऊं उसके लिए, ये जो अपना घर का ये बेहतर है? इसका भी एक फार्मूला मैं दे दूंगा, वो अगर घर में बना सकते हो तो ठीक है, वैसे ले आए तो यार कोई नहीं, कहाँ तरद्दद करते रहेंगे वो वो आप डॉक्टर साहब वो चिट्ठी का आप बोल रहे थे आंडो वाला वो भी मैं उसको दे रहा हूँ, तो ठीक है। तकरीबन 30-15 बड़े मुर्गे मैंने रखे हुए मुर्गियाँ उनके वो माशाल्लाह अंडे भी दे रहे हैं, और माशाल्लाह ये उसके चिट्ठी जितने मैंने माँ को कहा हुए कि इस तरह मैंने डॉक्टर से सुना हुए ये चिट्ठी नहीं फेंकना, जो अच्छे वाले बच्चे होते हैं वो भी नहीं फेंक रहे हैं, तो जिस और तरह आप डॉक्टर साहब के बोल रहे उसी तरह मैं कर रहा हूँ। जीरो का चिप्स, जीरो चिप्स मिल जाती है, ये चिप्स नहीं करते रगड़ाई वगड़ाई चिप्स करके फर्श बनाते हैं, जीरो का जीरो चिप्स, वो भी कभी ला के तो वो भी इनके नीचे ना उनको डाल दें थोड़ा बहुत, वो भी खाते रहे, उसका फिर बाद में बताऊंगा क्या फायदा होता है, ठीक है अच्छा जी अच्छा ओ डॉक्टर साहब एक बात फिर पूछ रहा हूँ, जी। मैं बिल्कुल सुबह से ट्राई कर रहा था लेकिन आपके नंबर दी थे, मैं ये पूछ रहा हूँ डॉक्टर साहब ये कौन कौन सी से मैं आपके साथ रहा कर सकता हूँ, कौन सी से मैं आपके मैं मेरी जान रोजाना रब्ता कर सकते हैं 11 बजे से लेके 1 बजे तक, इसी अच्छा नंबर पे 0333-5121879। तो ये हफ्ते में 6 दिन या इतवार छुट्टी भी होती है वरना ऑफ होती है ये नंबर, अच्छा किस दिन छुट्टी मैं कर सकता हूँ जरा सोचो, भला वो तो जुमा का मैं है? नहीं, मैं जुमे को छुट्टी करता हूँ। अच्छा जी और आप तो आपका तो आज से दिन में जब प्रोग्राम है होते तो
अजीब भी बयान कर सकते हैं। मैं सब बिल्कुल पश्चात के प्रोग्राम देखता हूँ। अभी अभी भी मैं हदीसों के लिए मैंने बहुत सारी चीज़ें हदीस रखी हुई हैं, तो एक हदीस कोट कर देता हूँ मैं। एक मिनट, कहाँ पे यार, असल में चले हदीस में कोई हदीसें इतनी ज़्यादा हैं, बड़ी बड़ी मज़े की हदीस हैं, हदीस हैं। आप ये एक चलें, अब एक हदीस में कोट करता हूँ आपके के लिए। हाँ, ये मेरे पास एक तर्जमानुल हदीस है, ये मौलाना मोहम्मद असजद कासमी नदवी, ये इनकी है। तो इसमें से ही मैं मुस्लिम से मैं कोट कर रहा हूँ। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अरशाद ग्रामी है, अल्लाह ताला इस किताब मुकद्दस यानी कुरान करीम की वजह से बहुत सों को ऊंचा करेगा और बहुत सों को नीचे गिराएगा। इसी के साथ डॉक्टर अशरफ साहब ज़्यादा को इजाज़त दें, उधर अजान भी जोर की शुरू हो गई है। ठीक है, बिल्कुल, मैं भी यूं करके देखूंगा। अच्छा, फिर डॉक्टर साहब आपको दुआ दे रहा हूँ, अल्लाह आपको आप दुआओं में याद रखें, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और आप इसी तरह दिलचस्पी लेते रहें और अल्लाह ताला आपके परिंदों में और बरकत डाले। ठीक है, कर अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।